ओक्टो ऐप पर आपके पास BNB रखा हुआ है। अब आपके पास जितना भी टोटल अमाउंट है उसमें से आप कुछ अमाउंट या फिर पूरा अमाउंट सेफपाल वॉलेट पर भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप किस प्रकार से सेफपाल वॉलेट पर आपके पास ओक्टो ऐप पर जितना भी BNB रखा हुआ है उसमें से आप जितना भी अमाउंट भेजना चाहते हैं किस प्रकार से भेजेंगे, नेटवर्क को किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, सेफपाल वॉलेट पर आप किस प्रकार से BNB को ऐड करेंगे, किस प्रकार से नेटवर्क आप निकालेंगे, किस प्रकार से नेटवर्क को आप वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन पे ओक्टो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके वॉलेट में जितना भी अमाउंट होगा BNB का वो दिखाई देगा। अगर आप किसी अदर कॉइन को भी होल्ड कर रहे हैं ना तो वो अमाउंट भी आपको यहीं देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप BNB को विड्रॉल कर रहे हैं सेफपाल वॉलेट पे, सो आपको जस्ट BNB के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे जहाँ लिखा होगा एक्सटर्नल वॉलेट, जहाँ पे लिखा होगा बाइनेंस, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ETC, यानी कि और भी आप दूसरे जो वॉलेट है या फिर किसी एक्सचेंज पर भी BNB को विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो एक्सटर्नल वॉलेट वाला ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ चेन का ऑप्शन मिलेगा, चेन मतलब नेटवर्क, सो आपको सेलेक्टेड चेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक वार्निंग या आप बोल सकते हो कि एक मैसेज लिखा हुआ मिलेगा कि आप सिर्फ ट्रांसफर उसी नेटवर्क पर कर सकते हैं जिस पर आपने बैलेंस को होल्ड कर रखा है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने BNB को इथेरियम के नेटवर्क पे स्टोर कर रखा है, यानी कि ले रखा है ओक्टो ऐप पर, तो आप सिर्फ इथेरियम के नेटवर्क पर ही BNB को भेज पाएंगे सेफपाल वॉलेट पर। और अगर आपने BEP20 यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिसको हम शॉर्ट में BSE भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा है जैसे BSE, यानी कि मैंने जो BNB होल्ड कर रखा है ना वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर होल्ड कर रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ही इस कॉइन को विड्रॉल कर सकता हूँ, अदर किसी नेटवर्क पर विड्रॉल नहीं कर सकता। हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई अपडेट आ जाए जिसमें आप अदर नेटवर्क पर भी भेज पाए। मैं यहाँ पर BSE वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल अगेन दिखाई देंगी। यहाँ पर मुझे अपना वॉलेट एड्रेस डालना होगा BNB का, कौन से नेटवर्क का, BSE, यानी कि BEP20 जिसको हम बोलेंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला। सेफपाल वॉलेट के माध्यम से किस प्रकार से BSE बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला हमको जो एड्रेस है वो लेके आना होगा वो समझते हैं। सेफपाल वॉलेट के माध्यम से एड्रेस निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सेफपाल वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, अगर आपके पास कुछ कॉइन्स होंगे तो वो भी आपको दिखाई देंगे। अब आपको ना यहाँ पर दो बातें समझनी है। पहली बात, अगर आप ऑलरेडी BNB को होल्ड कर रहे हैं BSE यानी कि BEP20 नेटवर्क पर, सो आपको वो यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही वो देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर आपको BNB यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा या आपने ऐड नहीं कर रखा है, सो आपको यहाँ 3 डॉट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैनेज कॉइन्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सिंपली BNB लिखना होगा, जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। जैसे आप BNB लिखेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे जो BNB के सर्च रिजल्ट है वो दिखाई देंगे। आपको सिर्फ इतना यहाँ पर वेरीफाई करना है कि आप ओक्टो ऐप के माध्यम से कौन से नेटवर्क को सेलेक्ट करके BNB को भेज रहे हैं। सो हमारी कंडीशन में एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन है BSE। BSE यानी कि BEP20 नेटवर्क, जिसको आप चेन भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आपको BEP20 वाला जो ऑप्शन मिलेगा ना, इस पे ये जो लास्ट में ऑप्शन मिलता है चालू करने का, इसको आपको टिक कर लेना है। जैसे आप टिक करेंगे होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। और अगर इन फ्यूचर मान लीजिए इथेरियम यानी कि ERC20 का ऑप्शन भी आ जाता है और अगर आप उस पे लेके आना चाहते हैं तो सेम आपको यहाँ टिक कर लेना है, होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। कंप्लीट बाहर आने के बाद में आप एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। सो आपने जिस भी कॉइन को ऐड किया जिस भी नेटवर्क पर यानी कि जिस भी चेन पर, वो दिखाई देगा। जैसे कि ERC20 यानी कि इथेरियम पर मैंने ऐड कर लिया है BNB को। उसके बाद में BEP20 जिसको हम बोल सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो फॉर एग्जांपल हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन का चेन किया है ओक्टो ऐप पर जिसके माध्यम से हम भेज रहे हैं और हमको यहाँ पर जस्ट जो BNB हमने ऐड किया है BEP20 नेटवर्क पर उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक QR कोड एंड आपको यहाँ पर जो एड्रेस है वो दिखाई देगा। अब आप अपने सुविधा के अनुसार या तो इस QR कोड को स्कैन कर ले या फिर आपको जो एड्रेस दिखाई दे रहा है इस एड्रेस को आप कॉपी कर ले। अब आप फिलहाल सेफपाल वॉलेट के माध्यम से BNB कॉइन का बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर जो एड्रेस लेके आए वो आप यहाँ पर
डालेंगे। उसके बाद में आपको अमाउंट वाले ऑप्शन पर आना है। आपके पास जितना भी टोटल अमाउंट है उसमें से आप कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा अमाउंट भेजना चाहता हूँ, सो मैं टाइप भी कर सकता हूँ या मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको आपकी जो फीस है वो दिखाई देगी कि आप जितना भी बीएनबी भेज रहे हैं उस पर आपको कितनी फीस लगने वाली है। सो आपको यहाँ बीएनबी वैल्यू में भी दिखाई देगा और इंडियन रुपीज के वैल्यू में भी दिखाई देगा। अब आप इस ऑर्डर को कंप्लीट करना चाहते हैं, सो स्वैप टू कंफर्म आपको जस्ट स्लाइड करना है। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे आपसे पिन पूछा जाएगा। सो जो भी आपका पिन है ओक्टो ऐप का वो पिन आप डालेंगे, पिन ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में ओक्टो ऐप के साथ में जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर आपको एक ईमेल भेजा जाएगा जो कि एक वेरिफिकेशन ईमेल होगा विड्रॉल का, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। इसमें जो भी ओटीपी आपको मिलता है वो ओटीपी आपको वापस से ओक्टो ऐप पर आना है और ओटीपी को यहाँ डाल देना है। जैसे आप ओटीपी को डालेंगे ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा एंड आपका जो ऑर्डर होगा विड्रॉल रिक्वेस्ट का वो कंफर्म हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपको वापस से आ जाना है सेफपाल वॉलेट पर एंड जैसे कि आप देखेंगे मेरा जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है। अगर मैं मेरे अमाउंट की डिटेल देखना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ बीएनबी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर रिसीव अमाउंट में मैंने जितना भी भेजा था वो मुझे दिखाई देगा और एक मिनट पहले ही मुझे जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है। या फिर आपको यहाँ जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन मिलता है ना, इस पे क्लिक करके भी आप अपनी जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है वो देख पाएंगे। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप ओक्टो ऐप के माध्यम से बीएनबी को भेज सकते हैं सेफपाल वॉलेट पर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।